हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी 5 क्लास कर चुके हैं, आज हम लोग 6ठे नंबर का करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। अगर आप 5 पिछले क्लास नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि 6ठा क्लास जो है वो सबसे ही रिलेट करता है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल पढ़ने वाले हैं, और जो 55 नंबर का जो आपका क्लास था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, तो ऋग वैदिक काल पढ़े थे। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक था, तो आपका 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व का जो बीच का जो समय था उसको उत्तर वैदिक काल में रखा गया था। उत्तर वैदिक काल में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि आर्यों लोग का जो भौगोलिक सीमा था वो पढ़ना है, सामाजिक संगठन पढ़ना है, आर्थिक जीवन पढ़ना है, राजनैतिक जीवन पढ़ना है, दर्शन प्रतिपादक दर्शन और उनके कुछ प्रतिपादक कौन कौन दर्शन को कौन कौन दिए थे वो पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। पंच यज्ञ था, पंच महायज्ञ था उसके बारे में देख लेना है, 16 संस्कार था वो देख लेना है, विवाह विवाह था, गंधर्व विवाह, आर्य विवाह, ये सब जो था प्रतिलोम विवाह था उसके बारे में देख लेना है, क्योंकि क्या करता है कि एक तरफ विवाह दे देता है और एक तरफ दे देता है कैसे होता था और उसको मिलान करने के लिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहता है, तो इसको हम लोग को देख लेना है। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की कुछ संख्याएं, जैसे कि इंद्र भगवान के लिए कितने बार उसमें संख्या है, गंगा नदी के लिए, यमुना नदी के लिए, ये सब हम लोग को देख लेना है, क्योंकि बार बार यहाँ से ये पूछते रहता है। प्रमुख रत्नी, ठीक है, कृषि संबंधी कुछ शब्दावली है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। और हम लोग को देखना है क्या, वैदिक काल के सर्वप्रथम, मतलब वैदिक काल में जो सर्वप्रथम जो चीज उपयोग में आया था ना, प्रयोग में आया था, जिस चीज के लिए सबसे पहले उपयोग किया गया था वो चीज, ठीक है, या सर्वप्राचीन, ये सब हम लोग को देखना है। दूसरा बात याद क्या रखना है कि जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में था, अगर पूछ ले कि ऋग्वैदिक काल कौन से वेद से जानकारी मिलता है, तो आपको ऋग्वेद से, लेकिन एक क्वेश्चन बनाता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद से मतलब जानकारी मिलता है, तो ऋग्वेद के छोड़कर बाकी जो 3 वेद है ना उसके जो जानकारी मिलता है किसके लिए मिलता है, तो आपका उत्तर वैदिक काल के लिए मिलता है, मतलब कि साम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद जो था उत्तर वैदिक काल का जानकारी देता है। ऋग्वैदिक काल का जानकारी कौन देता है, तो ऋग्वेद देता है, ठीक है, नाम से आपको पता चलता है। उत्तर वैदिक काल का सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो आर्य लोग का भौगोलिक सीमा देखते हैं, तो उत्तर में जो इनका विकास था कहाँ तक था, हिमालय तक, और दक्षिण में विंध्य पर्वत माला तक था, ठीक है, पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, और पूर्व में कहाँ तक था, तो उत्तरी बिहार तक था, ये बात आपको याद रखना है। इसमें भी आप देखिएगा तो क्या है कि नॉर्थ में कहाँ तक था, तो हिमालय तक था, आपका साउथ में कहां तक था, तो विंध्य पर्वतमाला तक था, और पूर्व में कहां तक था, तो उत्तरी बिहार में, ठीक है, उत्तरी बिहार तक था, और पश्चिम में कहां तक था, तो आर्य लोग का विस्तार कहां तक था, तो आपका अफगानिस्तान तक, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सामाजिक संगठन के बारे में हम लोग देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्णों का विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 वर्ण था वो क्या था ना, कि जो पहले कर्म पर आधारित था अब क्या चीज में बदल कर हो गया था, तो जन्म पर हो गया था। जैसे कि ऋग्वेद में हम लोग पढ़े थे कि जो भी वर्ण का विभाजन किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, वो सब था वो कर्म के आधार पर था, लेकिन अब क्या हो गया था उत्तर वैदिक काल में, जन्म के आधार पर करने लगा, ठीक है, मतलब कि जो क्षत्रिय के घर में पैदा हो गया वो क्षत्रिय हो जाएगा, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण हो जाएगा, वैश्य के घर में वैश्य, और शूद्र के घर में शूद्र हो जाएगा। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं था, उस समय क्या था कि कर्म के अनुसार से जो काम करता था ना उसी के अनुसार से उसका मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभाजन भी किया जाता था। 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है, और किसमें मिलता है सर्वप्रथम उल्लेख, ये बार बार पूछते रहता है, तो आपका जावलो उपनिषद में क्या है कि 4 आश्रमों का सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है, और 4 मतलब कि आश्रम कौन था, तो ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था, और संन्यास था, ये बात आपको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनाता है एग्जामिनर कि कौन से उपनिषद में ये जो है 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो जावलो उपनिषद में, ये बात याद रखना है, जावलो उपनिषद में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि उत्तर वैदिक काल में नारियों की जो स्थिति था ना गिरावट आने लगी थी। हम लोग देखते हैं देखे थे कि ऋग वैदिक काल में क्या था कि नारियों की स्थिति बहुत अच्छा था, सभा समिति में भाग ले सकती थी, उनको पढ़ने के लिए मतलब शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने लगा। क्या होने लगा कि इनकी स्थितियों के लड़कियों की स्थिति गिरावट आने लगी, और साथ ही साथ क्या हुआ कि ऋग वैदिक काल में जहाँ पर स्त्रियों का उपनयन संस्कार जो होता था वो अब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये उपनयन संस्कार क्या था, तो आपको याद रखना है कि उपनयन संस्कार क्या था कि जो कुछ साल के बाद, जैसे कि 8 साल के बाद, 12 साल के बाद, 14 साल के बाद
लड़कों और लड़कियों को पढ़ने के लिए तैयार किया जाता था, मतलब कि गुरुकुल में भेजा जाता था। और अब क्या किया गया कि अब लड़की लोग को, स्त्रियों लोग को क्या किया गया, पढ़ाई बंद कर दिया गया। इसी को उपनयन संस्कार बोला गया था यहाँ पे, ठीक है। लड़कों लोग को क्या किया जाता था, तो जनेऊ पहना के उस समय और वहां से गुरुकुल में भेजा जाता था, और गुरुकुल में वो पढ़ाई करने जाते थे, जिसको उपनयन संस्कार रखा गया था। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय का, जो लड़की लोग को क्या किया गया, उत्तर वैदिक काल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। अथर्ववेद जो है उसमें कन्याओं के जन्म पर क्या किया गया है, निंदा किया गया है। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें कन्या के जन्म के पर क्या किया गया है, चिंता व्यक्त किया गया है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन बनाते रहता है कि कन्या के जन्म पर निंदा किस वेद में किया गया है, तो अथर्व वेद में किया गया है, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण है जहां पे क्या है कि कन्या को लेके चिंता किया गया है। धीरे धीरे क्या होने लगा कि रूढ़िवादी आने लगा था, जैसे जैसे ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल का स्थिति, जैसे समय बदलते गया तैसे तैसे, ठीक है। तैत्रीय अरण्य है, वहां पर क्या है कि स्त्रियों को क्या बोला गया है, तो शूद्रवत पतित कहा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखा है। वहीं पर क्या है कि शतपथ जो ब्राह्मण है वहां पर अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है कि जो पुरुष है ना, पति है, उनके आधा अंग, ठीक है। अर्धांगिनी कहा गया है, तो किसमें कहा गया है, तो आपका शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, और अभी भी ये शब्द का उच्चारण होते रहता है, ठीक। सुधी महिलाएं जो ऋचाओं के रचना किए थे उनको भी सिद्धु महिलाएं हम लोग देखे थे, बोला जाता है। तो कौन कौन थे, तो आपको मैत्रेयी थे, गार्गी थे, सलवा, बनवा, आपका काव्यायनी जो थे, ये सभी महिलाएं थी। ये बात आपको याद रखना है। स्त्रियों को अब क्या किया गया, तो सभा और समिति में भाग लेने से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। पहले स्त्री जो लोग थे क्या थे कि सभा और समिति में भाग ले सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि स्त्री लोग को सभा और समिति में भाग लेने से बंद कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्री पतिव्रता, जो पत्नी जो होती थी, पति का बात नहीं मानती थी, उनके लिए क्या किया गया, तो वरुण प्रभास का संपन्न किया जाता था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इन लोगों के मतलब आर्थिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे ना, उनके आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो हम लोग देखे थे कि ऋग वैदिक काल में क्या था कि मुख जो था आर्थिक जीवन क्या चीज पे टिका हुआ था, तो पशुपालन पे टिका हुआ था। वहां पे कृषि जो था गौण था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या बन गया, तो अब क्या बन गया था, तो कृषि बन गया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इस काल में क्या हुआ कि कई प्रकार के फसलों का उत्पादन होने लगा। उस समय का प्रमुख फसल क्या था आपका, तो जौ था, यब था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पर अब क्या होने लगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होने लगा, तो वैसे वैसे यहाँ पे फसलों का कई प्रकार का उत्पादन होने लगा, जैसे कि चावल होने लगा, उड़द होने लगा, जौ तो पहले से हो ही रहा था, और गेहूं भी होने लगा था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। उत्तर वैदिक काल में क्या है कि लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती होना और भी आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि यह सबसे बहुत ज्यादा हथियार अब बनने लगा, कुदाल बनेगा, हल बनेगा, ये सब बनेगा, तो किसान लोग को ज्यादा आसानी होगा खेती करने के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या है कि वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल, उसमें अयस के दो रूप के लिए चर्चित किया गया है। हम लोग देखे थे ऋग वैदिक काल में कि अयस के लिए जो चर्चा हुआ था, तांबा या ब्रॉन्ज के लिए हुआ था, मतलब कासा या तांबा के लिए हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको दो रूपों के लिए चर्चित किया गया था। एक तो चर्चित किया गया था श्याम अयस, ठीक है, जिसको कृष्ण अयस बोलते थे, काला अयस, जिसको लोहा के लिए उपयोग किया गया था। और दूसरा जो था लोहा यस था, उसको क्या चीज में उपयोग किया गया था, तो तांबा के लिए उपयोग किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में क्या है कि हल संबंधी विधान का वर्णन है। हल जो क्या होता है ना, वो आपका चलने वाला, जिससे खेती होता है उसके लिए, ठीक है, ये संबंधी आपका वर्णन दिया गया है, ठीक। कहाँ पे, तो आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे, चार प्रकार के मृदु भांडों से परिचित थे। मृदु भांड किसको बोलते हैं, तो जो मिट्टी का बना हुआ वस्तु होता है ना, उसको मृदु भांड बोलते हैं, ठीक है। तो चार प्रकार के मृदु भांडों से क्या थे कि ये परिचित थे। और एक कौन कौन सा था, तो आपका एक तो काला और लाल जो कलर का होता था वो वाला, काली पॉलिशदार होता था वो वाला, धूसर चित्रित धूसर से, और दो चौथा जो था लाल मृदु भांड से, ये लोग परिचित थे। कौन, तो उत्तर वैदिक के लोग जो थे, ठीक है। इनमें से जो चित्रित धूसर जो था मृदु भांड, वो जो था सर्वश्रेष्ठ था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए, कर्नाटक के धड़वार एक जगह है, वहां से क्या हुआ है कि जो सर्वप्रथम जो लोहा प्राप्त हुआ था आपका 1000 ईसा पूर्व का है, ये मिला है कहां से, तो आपको याद रखना है कर्नाटक के धड़वार से। इसी समय क्या था कि पाकिस्तान के जो अभी क्षेत्र है गंधार, वहां भी लोहे का प्रयोग होने का साक्ष्य मिला है। सर्वाधिक लोहे का औजार जो मिला था कहां से मिला है, तो आपको याद रखना है अंतरजी खेड़ा से जो है सर्वाधिक लोहे का औजार प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। खेती के विविध शिल्पों की बदौलत अब क्या है कि उत्तर वैदिक काल के अस्थाई जीवन होने लगा था। पहले हम लोग जानते थे कि पशुपालन पर आधारित रहते थे ऋग वैदिक काल में, तो वहां पर क्या होता था कि जो अभी मतलब इस एरिया में गाय जो है चर रहा है, तो यहाँ पर घास खत्म होता है ना, तो दूसरे एरिया में लोग चल जाते थे। मतलब कि उस समय अस्थाई जीवन नहीं होता था, लोग चरवाहा थे, इस एरिया का घास खत्म हो गया था दूसरे एरिया में, वो एरिया का खत्म हो गया था दूसरे एरिया में। लेकिन अब कृषि होने लगा, तो कृषि होने लगा उससे क्या हो गया कि जीवन जो हो गया एक अस्थाई हो गया, ठीक है। और अस्थाई जीवन हो गया कहाँ पे, तो उत्तर वैदिक काल में, जो ऋग वैदिक काल में नहीं था, ठीक है। खेती अच्छा से होने लगा, तो खेती अच्छा से होने लगा तो जीवन अस्थाई हो गया। पहले चरवाहा लोग थे तो जीवन क्या था कि अस्थाई था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं इनके राजनैतिक जीवन के बारे में, मतलब कि राजनैतिक पहले क्या था कि कबीला में लोग रहते थे, ठीक है। तो अब ये लोग को कैसा जीवन होने लगा, राजनैतिक जीवन, अब कैसे ये प्रशासन अपना निभाने लगे, वो हम लोग देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में था क्या कि राजकीय प्रभुत्व जो है सामने आने लगा, मतलब कि राजा का अधिपत्य धीरे धीरे बढ़ने लगा और विदित लाभ लगभग समाप्त हो गया, जो पहले का जो था वो करीब करीब अब समाप्त हो गया था। और सभा समिति का जो भी प्रभाव था, जिसके लिए क्या होता था कि राजा इसका सहमति पाने के लिए बेताब रहता था, ये भी इसका भी अब प्रभाव क्या होने लगा कि खत्म होने लगा था, कम होने लगा था, ठीक है। इस लोग जो थे अब क्या थे कि कबीलों से हटकर अब जनपद के रूप में ग्रहण हो गए थे, और भरत और पुरु मिलके सबसे पहले एक जनपद का निर्माण किए थे। उस जनपद का क्या नाम पड़ा था, तो कुरु जनपद नाम पड़ा था, ये बात आपको याद रखना है। और तुर्वस और क्रीबी मिलके कौन से जनपद का बनाए थे, जनपद की स्थापना किए थे, ये पूछ सकता है, तो आपके पंचाल जनपद का। ये अब महाभारत भी देखे होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि कुरु एक जनपद था, कुरु था, दूसरा पंचाल जो था मजबूत था, तो यहां से हम लोग की जानकारी मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि उत्तर वैदिक काल में राजाओं के विभिन्न नाम से पुकारा जाता था। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि दे देगा एक तरफ तो आपको एरिया दे देगा और एक तरफ दे देगा कि क्या नाम से पुकारा जाता था। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या है कि उत्तर का शासक को विराट बोला जाता था, दक्षिण के राजा को क्या बोला जाता था, तो भोज बोला जाता था, और पूर्व के राजा को क्या बोला जाता था, तो सम्राट बोला जाता था, और पश्चिम के राजा को, ठीक है, स्वराट बोला जाता था, और एवं मध्य के राजा को क्या बोला जाता था, तो राजा बोला जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हो गया कि अब जो राजा पद जो था ना, पहले क्या था कि कर्म के अनुसार से जो भी बनता था, लेकिन अब क्या हो गया अनुवांशिक, बेटा मतलब बाप है राजा तो उनके बेटा होंगे, और बेटा में भी कौन होंगे, तो जो सबसे बड़ा होंगे ना, मतलब ज्येष्ठ होंगे, उन्हीं को मिलेगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इस काल में क्या हो गया कि संग्रहिता और गोविकर्तन नाम के अधिकारियों के अस्तित्व में सामने आ गया। संग्रहिता का मतलब क्या हो गया, जो कर टैक्स जो वसूल करने वाले होते थे ना, वो लोग अब क्या हो गए कि अधिकारियों के अस्तित्व में आने लगे, क्योंकि जो राजा लोग था ना, अब टैक्स लेना शुरू कर दिए थे, कर लेना शुरू कर दिए थे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। राजाओं का प्रभाव अब यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगे, जैसे कि यज्ञ करते थे, अश्वमेघ यज्ञ करते थे, वाजपेयी यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे, और उससे अपना क्या दिखाते थे, तो अपना पावर दिखाते थे, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तीन यज्ञों का उल्लेख किया गया है, जिसमें राजसूय यज्ञ है तो राजाओं के अभिषेक के समय होता था, इसको हम लोग राजसूय यज्ञ कहते हैं। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है कि साम्राज्य के विस्तार के लिए, अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा को वहां पे अपना झंडा बांधकर घोड़ा में दौड़ाया जाता है, और घोड़ा जहां तक जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो राजा दौड़ाया है उसका जमीन हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा, जब तक कि वो राजा वो घोड़ा को कोई रोके ना। और जब वो घोड़ा का कोई रोकेगा, तब मतलब कि वो राजा है जो सामने जो रोकने वाला है, वो राजा क्या करेगा कि जो छोड़ा था उससे अब लड़ाई करने के लिए वो तैयार है। अगर वो लड़ाई करा और लड़ाई में हार गया, तो फिर वो भी एरिया इसी को हो जाएगा जो घोड़ा छोड़ा था, और अगर वो जीता तो वहां पर वो एरिया बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इसको हम लोग अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। और वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है, तो यहाँ पर घोड़ा को
रथ को होता है ना, रथ के दौड़ के शक्ति को प्रदर्शन करके दिखाया जाता है कि मेरे पास इतना रथ है। जैसे कि अभी भी देखते होंगे अमेरिका और इंडिया मिलकर क्या करता है कि अपना सैनिक अभ्यास करता है, ये सब होता था, तो पहले भी ये सब होते रहता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब क्या हम लोग को देखना है, तो धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन से बहुत क्वेश्चन बनता है, अरे आपको ध्यान से देखना है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था कि जो धर्म था कर्म कांड पर अब आधारित हो गया था। ठीक है, इस काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे कौन थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो थे महत्वपूर्ण थे, जिसमें प्रजापति क्या थे कि सबसे महत्वपूर्ण थे, ये बात आपको याद रखना है। पूषण जो आपके ऋग्वैदिक काल में पशु का जो देवता थे महत्वपूर्ण थे, वो क्या हो गया कि अब क्या हो गया कि शूद्रों के ये देवता हो गए, ये ध्यान में रखना है। अब क्या हो गया, ये पशुओं का जो देवता थे अब शूद्रों का देवता हो गए। ठीक, ये ध्यान में रखना। और आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि इस काल में गृहस्थों के लिए क्या किया गया, तो पंच महायज्ञ भी होने लगा। गृहस्थ जीवन जो सांसारिक जीवन होने होता था, जो सांसारिक जीवन मतलब गृहस्थ जीवन होता था, उसके लिए पांच महायज्ञ होने लगा। और वो पांच महायज्ञ कौन कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो एक था ब्रह्म यज्ञ, ये किसके लिए होता था, तो ऋषियों के लिए होता था। ठीक है, दूसरा होता था पितृयज्ञ, जो पितरों के लिए पिता के लिए होता था। तीसरा होता था भूत यज्ञ, जो समस्त जीवों के प्रति एक कृतज्ञ होता था। और चौथा होता था आपका अतिथि यज्ञ, जो अतिथियों के लिए होता था। और पांचवा होता था आपका देव यज्ञ, जो देवताओं के प्रति कृतज्ञ होता था। तो ये आपका पांच यज्ञ होता था उत्तर वैदिक काल में। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है, जावलो उपनिषद में क्या है कि चार आश्रमों का उल्लेख किया गया है और यहाँ पर एक साथ उल्लेख मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तर वैदिक काल में ही छह दर्शन का उदय हुआ और उस दर्शन का प्रतिपादक कौन थे और इधर दर्शन कौन थे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो शाख जो दर्शन था उसका मतलब प्रतिपादक कौन थे, तो कपिल मुनि थे, बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। योग दर्शन के कौन थे, तो पतंजलि थे। ठीक है, न्याय के कौन थे, तो गौतम ऋषि थे। वैश्विक का कौन थे, तो कनाद मुनि थे। पूर्व मीमांसा के आपके जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के बद्रायन थे। ये हमेशा क्वेश्चन बनाते रहता है एग्जामिनर कि शाख का कौन है, ठीक है, आपका योग का कौन है, ये इस तरफ दे देगा दर्शन और इस तरफ दे देगा मिलान करने के लिए। तो छह इस समय उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि दर्शन का उदय हुआ था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 16 संस्कारों के बारे में वर्णन किया गया है उत्तर वैदिक काल में, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, जिसमें देख लीजिएगा तो आप याद रख सकते हैं। इसको याद रख भी सकते हैं, इसको याद ना भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम याद इतना रखना है कि 16 संस्कार था और किस काल से हुआ था लोकप्रिय, तो आपको याद रखना है उत्तर वैदिक काल से। एक बार बोल देते हैं तो देखिएगा, पहला जो था आपका गर्भाधान था, पुष्पदन था, पुष्पवन था, सीमांतोनयन था, जात कर्म था, नामकरण था, निष्कर्मण था, आपका अन्नप्राशन था, चूड़ा कर्म था, कर्ण छेदन था, विदार्यम था, उपनयन था, आपका विद्रांभ था, केशांत था, समावर्तन था, विवाह था और अनत्येष्टि था। ये बात आपको याद रखना है, जो 11 नंबर का है ना उपनयन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। उपनयन में क्या होता था, आपका उपनयन संस्कार जो था एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार था, जो शूद्रों को छोड़कर तीनों वर्णों के लिए था, शूद्र लोग के लिए ये नहीं था और तीनों वर्णों के लिए था। हम लोग देखे थे कि शूद्र लोग को पढ़ने नहीं दिया जाता था और इसमें जो उपनयन संस्कार में क्या होता था कि पढ़ाई से ही ये रिलेट करता था और ये जो था तीनों वर्णों के लिए था, शूद्रों को छोड़कर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए था उपनयन संस्कार। इसमें क्या होता था कि 8 वर्ष ब्राह्मण के जो बच्चा होते थे 8 वर्ष के, उनके लिए तय किया गया था एज, और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। इस समय के जब बच्चा इतना इतना साल के अवस्था के होते थे तो उनको घर से बाहर भेजा जाता था, गुरुओं के पास गुरुकुल में भेजा जाता था और ये शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन शूद्र लोग को शिक्षा प्राप्त करने के यहाँ पे नहीं साक्ष्य मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस जब शिक्षा प्राप्त करके आते थे तो इन बालकों के दोबारा जन्म बोला जाता था कि दोबारा जन्म हुआ था। ऐसे ही में होता है कि जैसे कि आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक तरह से, जैसे कि हम लोग के पास शिक्षा नहीं है तो एक पशु के समान होते हैं, लेकिन जैसे ही शिक्षा मिल जाता है तो आप एक सब लोग में गिनती आने लगते हैं। ठीक है, तो इस जो संस्कार को जब प्राप्त कर लेता था तो उस बालक को क्या बोला जाता था कि दोबारा जन्म लिया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। विवाह जो था इस काल में बहुत ज्यादा प्रचलन में था और अभी भी इस विवाह का प्रचलन है। यहीं से हम लोग को विवाह का जितना भी आया है, जितना भी अभी तरह जितना तरह का विवाह होता है, यहीं से प्रचलन मिलता है उत्तर वैदिक काल से ही। तो एक था आपका अनुलोम विवाह,
ठीक है। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि पुरुष जो होते थे उच्च जाति के होते थे, उच्च वर्ण के होते थे, और महिला जो होते थे निम्न वर्ण के होते थे। इसको इस विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनुलोम विवाह बोलते हैं। प्रतिलोम में क्या होता था कि पुरुष जो होते थे निम्न वर्ण के होते थे और महिला होते थे उच्च वर्ण के होते थे। गृह सूत्रों के अनुसार आठ विवाहों के क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, आठों हम लोग देख लेते हैं। तो एक होता था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह यह सबसे प्रचलित और उत्तम विवाह था जो नियम अनुसार से होता था, उसको हम लोग ब्रह्म विवाह दिए थे नाम, ठीक है। दैव विवाह, दैव विवाह क्या होता था, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से, ब्राह्मण से पुत्री का जो विवाह होता था उसको दैव विवाह कहा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आर्य विवाह क्या होता था, तो आर्य विवाह में कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या को विवाह कर देते थे, ठीक है। प्रजापत्य विवाह क्या होता था, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। असुर विवाह में क्या होता था कि वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था, ठीक है। गंधर्व विवाह में क्या होता था, यह एक प्रेम विवाह है जिसमें माता पिता का सहमति नहीं होता था तब भी ये विवाह कर लेते थे, ठीक है। राक्षस विवाह में क्या होता है, इस विवाह में वधू को अपहरण कर लिया जाता था। और पैचास विवाह में क्या होता था कि यह जबरदस्ती विवाह किया जाते वाला विवाह था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो था आपका विवाह का वहां पे प्रचलन था, ठीक, जो अभी भी लगभग लगभग सभी होता ही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वेद में, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों का उल्लेख कितने बार किसके लिए किया गया है, तो सभा के लिए है जो 8 बार किया गया है, पिता के लिए 335 बार किया गया है, इंद्र के लिए, इंद्र भगवान को लिए 250 बार किया गया है, समिति को लिए आपको 9 बार किया गया है, अग्नि के लिए 200 बार किया गया है, रुद्र के लिए आपको 3 बार किया गया है, गाय के लिए 176 बार, यमुना के लिए, यमुना नदी के लिए 3 बार, विष के लिए आपको 170 बार, गंगा के लिए आपको 1 बार, और सोम देवता के लिए 144 बार किया गया है, सिंधु नदी के लिए सर्वाधिक बार किया गया है, विष्णु के लिए 100 बार किया गया है, कृषि के लिए 33 बार किया गया है, जन के लिए 275 बार, और वरुण के लिए आपको 30 बार किया गया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा जो याद रखना है इंद्र भगवान वाला याद रखना है, पिता वाला याद रखना है, ठीक है, गाय वाला याद रखना है, यमुना नदी और गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी वाला और आपका सिंधु नदी तो सर्वाधिक बार हो ही जाएगा, और कृषि वाला और वरुण, ये इतना आपको याद रखना है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख रत्नी क्या थे, आपका सेनानी जो होते थे सेनापति, यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कौन कौन थे। तो ग्रामणी जो होते थे, ग्रामणी जो होते थे गांव की मुखिया होते थे, आकोषा अध्यक्ष होते थे गांव का, ये बात आपको याद रखना है। संग्रहिता क्या होते थे, तो कर संग्रह करने वाले, टैक्स वसूलने वाले, ये ध्यान में रखना है। वागदूत क्या होते थे, तो रथ सेना के नायक होते थे। सूत क्या होते थे, तो गावाध्यक्ष होते थे, ठीक है। गोवीकर्तन क्या होते थे, तो वनपाल होते थे, ठीक है, बनों को देखभाल करने वाले। अक्षा बाप क्या होते थे, तो आय व्यय का गणना करने वाले होते थे, जो आय और व्यय मतलब कि आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था उसका गणना करने वाले होते थे। पालागल क्या होते थे, तो विदूषक का पूर्वज होते थे, ठीक है। महिषी को क्या होते थे, तो आपके रानी होते थे। तक्षण जो शब्द होता था आपका बढ़ई के लिए उपयोग होता था, इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कृषि संबंधी प्रमुख शब्दावली को देख लें, तो जो प्राचीन में उपयोग होता था अभी उसका आधुनिक नाम क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते रहता है, एक तरफ दे देगा प्राचीन नाम, एक तरफ दे देगा आपका आधुनिक नाम। तो ये लांगल जो था आपका हल के लिए, ठीक है, ब्रिक जो है बैल के लिए, उर्वरा जो है जूते हुए खेत के लिए, सीता जो है आपका हल से बनी हुई नालियों के लिए, अबट जो है कुआं के लिए होता था, अपरजन्य होता था बादल के लिए, अनस होता था बैलगाड़ी के लिए, और किनास जो होता था हलवाहा के लिए, ये बात आपको याद में रखना है। वैदिक साहित्य में जो सर्वप्रथम जो चीज उपयोग में आया है, जो चीज प्रयोग किया गया है, जहां पे लिखा हुआ है सर्वप्रथम, वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछते रखता है कि सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे ये चीज किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो जैन तीर्थकरों को ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, वो तीर्थकर कौन कौन थे, तो अरिष्टनेमी थे, और दूसरा कौन थे, तो ऋषभदेव थे। अगर आपसे पूछ ले कि अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख कौन से मतलब कि वेद में मिलता है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में, ये ध्यान में आपको रखना है। दूसरा याद क्या रखना है कि अस्तोमासद्गम्य
सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ये ध्यान में रखना है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है? तो छांदो उपनिषद है। और दूसरा कौन है? तो बृहदारनायक है, ये ध्यान में रखना है। प्रथम तीन आश्रम एवं कृष्ण का जो प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो आपको कहाँ पे मिलता है? तो छांदो उपनिषद में मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रथम तीन आश्रम कौन कौन सा है? तो बाल आश्रम है, ठीक है, हम लोग देखे थे, गृहस्थ है, और तीसरा कौन है? तो वानप्रस्थ है। चौथा क्या होता था? तो सन्यासी होता था। हम लोग ध्यान में याद इसको रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है वो वाला। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि चार आश्रमों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है कहाँ पे मिला है? तो आपका जावलो उपनिषद में मिला है। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण या बृहदारनायक उपनिषद में मिलता है, ये ध्यान में रखना है। गीता से भी पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन कहाँ पे मिलता है? तो ईशो उपनिषद में मिलता है, ये ध्यान में रखना है। निष्काम कर्म का मतलब क्या होता था? हम लोग जानते हैं कि आप सिर्फ कर्म पर ध्यान रखिए, फल का चिंता न करिए, जो गीता में लिखा हुआ है। वहां से भी पहले कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ईशो उपनिषद में लिखा हुआ है, ये ध्यान में आपको रखना है। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल का सर्वप्रथम जो देवता थे कौन थे? तो इंद्र भगवान थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि उत्तर वैदिक काल का सर्व प्रमुख देवता कौन थे? तो आपको प्रजापति थे, ठीक है। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु जो है अयस जो था उसका नाम क्या था? तो कांस या तांबा था, ठीक है। आयस हम लोग बोलते थे, आयस जो था किस शब्द के लिए उपयोग होता था? कांसा या तांबा के लिए होता था, ब्रॉन्ज या कॉपर के लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक जो था जो नदी के लिए स्तुति दिया गया है वो किसके लिए दिया गया? तो सिंधु नदी के लिए है, ठीक है। सूक्तों का सबसे ज्यादा वर्णन है किस नदी के लिए? तो आपको सिंधु नदी के लिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक मतलब कि सबसे पवित्र नदी किसे बोला गया? तो सरस्वती नदी को बोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चार वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। चार वर्ण कौन कौन से थे? हम लोग देखे थे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये चार जो वर्ण है आपका कौन से ब्राह्मण में मिलता है? तो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है उल्लेख सर्वप्रथम, ठीक है। याग बल कय और गार्गी का जो संबंध है ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि कहां पर लिखा हुआ है? तो बृहदारनायक उपनिषद में लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखना है। और वैश्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है कहां पे मिलता है? वाजसनेयी संहिता में मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि श्वेतासवर उपनिषद का समर्पित है किनके लिए समर्पित है? तो रुद्र देवता के लिए है। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पे मिलता है? तो आपको ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है, ये भी बात आपको याद रखना है। चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख चौथे मंडल ऋग्वेद के, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग को क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों खत्म हो गया है, आप जाके वीडियो पिछले वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे जो हम लोग का क्लास होगा कल होगा, ठीक था। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।